हेलो दोस्तों यार, स्वागत है आप सबका। मैं हूँ विकास सिंह, आपका होस्ट। और हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं नोड जेएस के बारे में। ठीक है, अब यार नोड जेएस के बारे में अगर आपको नहीं पता तो देखो, नोड जेएस इज द जावास्क्रिप्ट। ठीक है, ये पूरी जावास्क्रिप्ट है। मगर यार नोड जेएस के साथ कुछ खास बात है। हम नोड जेएस देखो, बेसिकली अगर मैं बोलूँ यार नोड जेएस क्या है, नोड जेएस अगर मैं बोलूँ यार आप लोगों से कि भाई ये जावास्क्रिप्ट है, ठीक है, SCRIPT होता है, ठीक, तो मैंने बोला कि भाई नोड जेएस जावास्क्रिप्ट से ही बनी हुई है। ठीक है, तो यार आप लोग बोलोगे कि ठीक है यार, अगर नोड जेएस जावास्क्रिप्ट से ही बनी हुई है, ठीक है, और जावास्क्रिप्ट को हम लोग फ्रंट एंड में हैंडल करते ही हैं, तो व्हाई वी यूज नोड। ठीक है, यार देखो, पहले जो भी था कि यार हम लोग सारी की सारी चीजें फ्रंट एंड पे हैंडल करते थे। ठीक है, और फ्रंट एंड पे मतलब यार हर एक अगर रिक्वेस्ट के, मान लो यार मैंने एक चीज, मैंने टास्क वन दिया, ठीक है, मैंने टास्क वन दिया, फिर मैंने टास्क टू दिया, ठीक है, और फिर मैंने एक टास्क थ्री दिया, और फिर उस तरीके से मैंने एक टास्क फोर दिया। ठीक, तो अगर मैं मान लो कि इस तरीके से टास्क देते जा रहा हूँ, ठीक है, मैंने टास्क थ्री दिया, देन फोर दिया, देन मैंने फाइव दे दिया, ठीक है, और इस तरीके से मैं अपने आठ टास्क बढ़ाते जा रहा हूँ। ठीक, तो होता क्या था जावास्क्रिप्ट में, देखो जावास्क्रिप्ट क्या होता है, सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज है। ठीक है, सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज है, मतलब यार अगर पहले ये टास्क कंप्लीट होता था, फिर ये टास्क कंप्लीट होगा, उसके बाद इस टास्क के कंप्लीट होने के बाद ये चलेगा, इस टास्क के बाद कंप्लीट होने के बाद ये चलेगा, इस टास्क के बाद कंप्लीट होने के बाद ये चलेगा। और यार मैं नहीं चाहता कि चलो अगर ये सीक्वेंस को फॉलो करें, मतलब एक टास्क कंप्लीट होने के बाद दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पाँचवा, ठीक, ये सारी की सारी चीज़ें ना हो, तो मैं क्या करता हूँ, फिर मैं कुछ फंक्शंस का यूज़ करता हूँ, जैसे पर मैं प्रॉमिस का यूज़ करता हूँ, ठीक है, या फिर मैं एजेक्स का यूज़ करता हूँ, राइट, जिसको को पता होगा कि हम एजेक्स का यूज़ करते हैं, ठीक है, या फिर मैं सेट टाइम आउट का यूज़ करता हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम यूज़ करते थे कि उसको हम एसिंक्रोनस बनाने के लिए, राइट। बट यार जो नोड है, नोड का पर्पज़ कहाँ आया, ठीक है, नोड का पर्पज़ वहाँ आया कि यार देखो, फ्रंट एंड में तो हमारा जावास्क्रिप्ट चलता ही है, ठीक है, फ्रंट एंड में तो हमारा जावास्क्रिप्ट चलता ही है, मगर फिर अपने को पावर मिल गई कि भाई हम लोग चाहते थे कि भाई जो जावास्क्रिप्ट जो फ्रंट एंड में चलता है वो बैक एंड का भी क्या लैंग्वेज हो सकता है। ठीक है, क्या ये हमारा जावास्क्रिप्ट बैक एंड का लैंग्वेज हो सकता है क्या? ठीक है, हमने बोला कि हाँ भाई हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। ठीक, तो ये बैक एंड का लैंग्वेज हो गया हमारा नोड जेएस। ठीक है, तो नोड जेएस हमारा क्या करता है, यार नोड जेएस अपने को पावर देता है कि हम इससे सर्वर क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, इससे सर्वर क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, और सर्वर पे क्या होता है, सर्वर पे आप सारा का सारा डेटा रखते हो, वहाँ से सारी की सारी APIs हैंडल होती हैं, है ना, सॉरी मैं कुछ और लिख रहा हूँ, यहाँ कुछ और लिख रहे हैं। ठीक, तो वहाँ से सारी की सारी APIs हैंडल हो सकती हैं। ठीक है, वहाँ पे आप सारा का सारा डेटा हैंडल कर सकते हो, ठीक, और डेटा ट्रांसफर कर सकते हो, मतलब कुछ भी कर सकते हो, वट एवर यू वॉन्ट, राइट। सो अगर आप यहाँ देखोगे यार, तो ब्रीफ इंट्रोडक्शन में अगर आप जाओगे यहाँ नोड जेएस के खुद की उसकी डॉक्यूमेंटेशन है उसमें, फिर यहाँ आप कॉन्सेप्ट देखोगे VS जावास्क्रिप्ट का। ठीक है, तो मतलब जो नोड जेएस है यार वो VS जावास्क्रिप्ट इंजन पे काम करता है। ठीक है, जो कि गूगल क्रोम ने बनाया था। ठीक है, और इनिशियली इस VS जावास्क्रिप्ट इंजन, अभी VS जावास्क्रिप्ट इंजन का मतलब क्या है, ये एक प्लेटफॉर्म है, मतलब ये समझ लो कि ये उसका बैकअप है, ये उसकी ज़मीन है, ये उसका आपको कह सकते हो कि बेस है। ठीक है, तो VS जावास्क्रिप्ट इसका बेस है, ठीक है, नोड जेएस का, और इसके बेसिस पे जो नोड जेएस है वो काम करता है। ठीक, और यह सबसे जो बड़ी एबिलिटी जो अपने को मिली नोड जेएस में, जितनी भी हमारी चीज़ें चलती हैं, मतलब जितने भी रिक्वेस्ट चलते हैं वो एसिंक्रोनस चलते हैं, मतलब देर इज नो कि भाई कि मतलब जैसे अगर मैंने एक, मान लो कि ये मेरा पहला टास्क था, फिर मेरा दूसरा टास्क था, फिर मेरा तीसरा था, फिर चौथा, फिर पाँचवा, ठीक, अगर मैं इसको अपने फ्रंट एंड में हैंडल करूँ बाय सिंपली क्रिएटिंग ऑल दीज फाइव फंक्शंस, ठीक है, या फाइव टास्क, होगा क्या, या पहले ये एग्जीक्यूट होगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, ठीक है, जब तक ये एग्जीक्यूट नहीं होगा तब तक ये नहीं हो सकता, जब तक ये नहीं होगा ये नहीं हो सकता। ठीक, नोड जेएस ने इसको हटा दिया। ठीक है, नोड जेएस ने क्या बोला कि यार हमारे यहाँ जो भी एग्जीक्यूट होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि पहले ये, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पाँचवा, जिसका भी टास्क पहले कम्प्लीट हो गया, ठीक है, जिसका भी टास्क पहले कम्प्लीट हो गया वो चल जाएगा, ठीक है, वो हट जाएगा। और इस तरीके से मतलब क्या हो गया कि यार अगर इसका टास्क पहले कम्प्लीट हो जाता है, ठीक है, तो इसका ख़त्म करो, कोई ज़रूरी नहीं है, अगर ये टास्क पहले कम्प्लीट हो सकता है तो पहले इसको ख़त्म कर दो, अगर ये टास्क कम्प्लीट हो सकता है तो पहले पहले इसको ख़त्म कर दो। ठीक है, तो मतलब इसने कोई वो नहीं बनाया सिस्टम के अंदर किसी तरह का क्या बोल सकते हैं, हॉल्ट नहीं किया। ठीक है, तो ये एक पहली सी चीज़ सीखने की। ठीक, और दूसरा, जैसे कि आप जानते हो कि जो नोड जेएस है, राइट है, जो नोड जेएस है हमारा, वो हमारा क्या है, वो हमारा सर्वर साइड लैंग्वेज है। ठीक है, ये हमारा सर्वर साइड लैंग्वेज है, पहली बात को ध्यान दो। ठीक है, आप सर्वर साइड लैंग्वेज मतलब क्या, सर्वर साइड लैंग्वेज मतलब क्या है, मैं इससे सर्वर क्रिएट कर सकता हूँ।
मैं इसे सर्वर क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है, मैं इसकी मदद से APIs बना सकता हूँ, ठीक है, मैं इसकी मदद से डेटा हैंडल कर सकता हूँ, ठीक है, और मैं इसकी मदद से वो सारे काम कर सकता हूँ जो मैं बैकएंड में कराना चाहता हूँ, ठीक है। अब बैकएंड का मतलब क्या है ये भी समझ लो। बैकएंड का मतलब यार ये हुआ कि मान लो कि यार आप चाहते नहीं हो, जैसे मान लो फ्रंट एंड है, ठीक है, फ्रंट एंड और बैक एंड का थोड़ा सा भी आपको थोड़ा सा डिफरेंस समझा देता हूँ। मान लो फ्रंट एंड है, तो मैं कहता हूँ यार कि मैं कोई चीज़ फ्रंट एंड में हैंडल कर रहा हूँ, ठीक है, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि यूज़र कैन मैनिपुलेट द डेटा, ठीक है, यूज़र कैन मैनिपुलेट, ठीक, क्यों यूज़र क्यों मैनिपुलेट कर सकता है? क्योंकि ये जो भी चीज़ें हो रही हैं फ्रंट एंड में, ठीक है, ये सारा का सारा यूज़र के सिस्टम में है, ठीक है, इसके, हाँ भाई, यूजर के सिस्टम में है, ठीक, मतलब अगर मैंने किसी तरह का वैलिडेशन लगाया, किसी तरह का चेक लगाया, वो सारा का सारा अगर मैंने फ्रंट एंड में दिया, मतलब सर्वर साइड क्लाइंट साइड पे दे दिया, तो इसका मतलब क्या है कि यूज़र भाई, अगर यूज़र को नॉलेज है तो वो क्या कर सकता है, वो मैं सारी की सारी वैलिडेशन को पास कर सकता है, ठीक है, और ये सारी चीज़ें वो कर सकता है, वो सारे डेटा को मैनिपुलेट कर सकता है अगर उसको नॉलेज है जावास्क्रिप्ट की या फिर जो भी लैंग्वेज हम फ्रंट एंड में यूज़ कर रहे हैं उसकी, ठीक है। मगर बैकएंड में क्या होता है, ये जो बैकएंड में जो भी हम कोड करते हैं, हमारा सारा का सारा कोड होता है सर्वर पे, ठीक है, कहाँ होता है, हमारा सारा का सारा कोड होता है सर्वर पे, ठीक है, और सर्वर जो हमारा होता है वो हमारे यूज़र के कंप्यूटर में नहीं होता, ठीक है, हमारे यूज़र के कंप्यूटर में नहीं होता, इस बात को समझ लो, ठीक है। तो मतलब ये कोई ना कोई एक्सटर्नल सर्वर है, कोई एक्सटर्नल स्पेस है जहाँ अपन कुछ स्पेस बाय करते हैं, ठीक है, हमारा कुछ एक्सटर्नल स्पेस होता है जहाँ की हम कुछ स्पेस बाय करते हैं, मतलब एक्सटर्नल स्पेस का क्या मतलब, एक्सटर्नल मेमोरी, ऑन एक्सटर्नल मेमोरी ऑन सम अदर अदर बिग कंप्यूटर, ठीक है, कोई बहुत बड़ा कंप्यूटर है दूसरी जगह पर जिसकी बहुत ज़्यादा बड़ी मेमोरी है और हम उस मेमोरी का एक छोटा सा हिस्सा अपने लिए लेते हैं और हम उसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ प्राइस पे करते हैं, ठीक है, वी पे प्राइस, ठीक, और वो प्राइस के बदले वो अपने को क्या देता है, अपने को स्पेस देता है, ठीक है, मतलब अपने को मेमोरी देता है, ठीक, और उस मेमोरी का हम यूज़ किस लिए करते हैं, उस मेमोरी का हम यूज़ करते हैं अपनी वेबसाइट को एग्जीक्यूट करने के लिए, चलाने के लिए, ठीक है, टू रन वेबसाइट और एनीथिंग, जो भी हम एप्लीकेशन चलाना चाहते हैं, वेबसाइट चलाना चाहते हैं, सारी की सारी चीज़ें, ठीक है, तो ये चीज़ से पहले समझ लो, ठीक। तो मेरे को लगता है कि अगर आपको इस वीडियो अभी तक ये तो क्लियर हो गया कि भाई सर्वर क्या है, ठीक है, सर्वर में हम सर्वर पे क्यों डेटा रखें, भाई सर्वर पे हम डेटा इसलिए रखते हैं ताकि अगर मैं डेटा सर्वर पे रखता हूँ तो होता ये है कि, ठीक है, कि क्लाइंट मेरे डेटा को मैनिपुलेट नहीं कर सकता, ठीक है, क्लाइंट मेरे डेटा को मैनिपुलेट नहीं कर सकता, ठीक, उसके पास एबिलिटी नहीं होती है, ठीक है, तो अगर वो कोई भी रिक्वेस्ट करेगा, कोई भी हिट करेगा, तो सबसे पहले भाई रिक्वेस्ट है जो भी क्लाइंट ने रिक्वेस्ट की वो कहाँ जाएगी, वो पहले सर्वर पे जाएगी, ठीक है, और सर्वर से जो रिस्पांस आएगा, ठीक, सर्वर से रिस्पांस आएगा, उसी रिस्पांस के बेसिस पे मेरा UI अपडेट होगा, है ना, उसके बेसिस पे मेरा UI अपडेट होगा, ठीक, तो इसके बीच में से इन पूरे के पूरे प्रोसेस के बीच में अगर आप देखोगे तो क्लाइंट साइड आया नहीं, क्लाइंट साइड मतलब हमने कुछ भी चीज़ क्लाइंट के सर्वर पे, क्लाइंट के कंप्यूटर पे हैंडल नहीं किया, राइट, तो उस तरीके से हमारा जो सर्वर साइड होता है, सर्वर पे अगर मैं किसी तरह का डेटा रखता हूँ तो वो मेरा सेफ डेटा होता है, ठीक है, सेफ डेटा होता है, सेफ वैलिडेशन होता है, ठीक है, मैं कुछ भी अगर सर्वर पे कर रहा हूँ तो मतलब वो बिल्कुल सेफ है, ठीक, क्योंकि वो एक ऐसी जगह पर है जहाँ की यूज़र उसको मैनिपुलेट नहीं कर सकता, राइट, तो जो मेरा नोड जेएस है वो सर्वर साइड लैंग्वेज है, ठीक है, इसको पावर कम करता है भाई, इसको VS इंजन, VS8 इंजन जो कि गूगल क्रोम ने बनाया, उसके बाद हमारे हमें एबिलिटी मिली कि यार हम इस नोड जेएस को, मतलब सिंपल बोलते हैं जावास्क्रिप्ट को एज एन बैकएंड भी यूज़ कर सकते हैं, और उसके बाद से ECMAScript के आने के बाद और उसके अपग्रेडेशन होने के बाद हमारी बहुत सारी चीज़ें हुई जो कि मतलब आपने धीरे धीरे नोड को एज एन कम्प्लीट बैकएंड यूज़ करना शुरू कर दिया, हम उसको हर तरीके से यूज़ कर सकते थे, फ्रॉम क्रिएटिंग अ सर्वर, एक सर्वर को क्रिएट करने से लेके API बनाने से लेके सारी तरह की API की रिक्वेस्ट हैंडल करने से लेके किसी तरह की फंक्शनैलिटी बनाने से लेके वो सारी की सारी चीज़ अब हम इसकी मदद से कर सकते हैं, ठीक है, तो यार ये है एक छोटा सा इंट्रोडक्शन कि Node.js क्या है, ठीक है, मगर मैं आपको कुछ और भी बता देता हूँ यार इसके बारे में, अभी हम लोग सबसे अभी हम नेक्स्ट वो जो आने वाली वीडियो यार उसके अंदर हम जो Node.js है
नोट जेएस की मदद से कैसे हम सर्वर क्रिएट कर सकते हैं, हम उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। इसके अलावा ये भी जानेंगे कि यार नोट जेएस जो वीएस इंजन है, ठीक है, वीएस इंजन किस तरीके से, चलो यार ये तो मैं भी बताता हूँ, ठीक है। तो नोट जेएस में और भी बहुत सारे, अगर आप फायरफॉक्स की बात करो तो फायरफॉक्स जो इंजन यूज़ करता है अपने पूरे फायरफॉक्स एप्लीकेशन में चलाने के लिए, उसको स्पाइडर मॉन्की कहते हैं, ठीक है। सफारी जो यूज़ करता है उसको उसको जावास्क्रिप्ट कोड कहते हैं, ठीक है। और उसी तरीके से चक्रा और बहुत सारे क्रोमियम जो है, क्रोमियम का अपना क्रोमियम भी हमारा वीएस 8 इंजन को यूज़ करता है, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट हमारे क्या कहते हैं, एक बार जावास्क्रिप्ट इंजन हैं, ठीक है, जो कि सारे के सारे डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजी पे बने हुए हैं, ठीक। तो जो नोड जेएस है वो किसको यूज़ करती है, नोड जेएस यूज़ करती है हमारे वीएस 8 को, ठीक है। इस बात को हमेशा याद रखना, ठीक। अब अगर मेरे को कोई भी फाइल चलानी है, ठीक है, अब सिंपल सी बात करता हूँ तो यार सर्वर तो हम बाद में क्रिएट कर लेंगे, पहले मैं ये जान लेता हूँ कि यार अगर मेरे को मान लो कि ये मैंने एप्लीकेशन डॉट जे एस है, ठीक है, अब मैं इसको चलाना चाहता हूँ और मैं इस एप्लीकेशन डॉट जे एस को अपने ब्राउज़र में नहीं चलाना चाहता, ठीक है, कहाँ नहीं चलाना चाहता मैं, यहाँ उसको ऐसे लोकल होस्ट डाल के किसी सर्वर को रन करने के बाद, फिर उसको कंसोल करने के बाद, ठीक, सॉरी, फिर उसको इंस्पेक्ट करने के बाद ऐसे कंसोल करने, ऐसे कंसोल में जाके मैं उसके डेटा नहीं देखना चाहता, राइट, मैं ये चीज़ नहीं चाहता करना, ठीक है। मैं क्या चाहता हूँ यार, मैं इसको बिना ब्राउज़र के हैंडल कर सकूँ, ठीक है। तो क्या ये पॉसिबल है, सी देख लेते हैं। यार मैंने एक सिंपल सा वो लिखा, मैंने बोला भाई कंसोल लॉग, और मैंने बोला कि दिस इज नॉट हैंडल एट सर्वर, सॉरी एट ब्राउज़र, DROWSER, ठीक है, ये ब्राउज़र पे हैंडल नहीं हो, ठीक। तो अगर मेरे को देखना है कि भाई ये मेरे ब्राउज़र में अगर मैं इसको हैंडल नहीं करना चाहता, फिर भी मैं कंसोल कराना चाहता हूँ, तो क्या ये नोड मेरा कर सकता है, तो मैंने भाई टर्मिनल खोल दिया है, ठीक है। टर्मिनल मतलब आप अपना जो टर्मिनल है विंडोज़ का, आप सीधे उसको खोल सकते हो, ठीक है। और यहाँ अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ क्या लिखा, मैं अगर नोड की मदद से किसी जावास्क्रिप्ट फाइल को चलाना चाहता हूँ तो मैं लिखूँगा नोड, ठीक है, और उस फाइल का नाम, और इस फाइल का नाम अगर आप यहाँ देखो तो क्या है, ऐप डॉट जे एस है, तो मैं लिखूँगा भाई ऐप डॉट जे एस, ठीक है। मैं इसको रन करता हूँ और अगर देखोगे कि यार किसी तरह एरर आ गया, अरे एरर क्यों है, कोई बात नहीं, हम सब देख लेते हैं। सबसे पहले मैं इसको सेव कर देता हूँ और फिर मैंने बोला कि सॉरी उसको हटाते हैं, ठीक है, और इसको हटाते हैं, और यहाँ मैं इस कमांड को देखता हूँ कि यार मैंने यहाँ क्या गलती की थी, ठीक। मैंने बोला कि यार नोड ऐप डॉट जे एस AWP, ओके, ठीक है, नहीं स्पेलिंग में गलती होगी, मैंने AWP लिखा है और मैं कुछ और टाइप करा देता, ठीक। तो अगर मैं इसको एंटर करूँ तो आप देखोगे दिस इज नॉट हैंडल इन ब्राउजर, और एक कंसोल यहाँ हो गया, ठीक है, मतलब मैं टर्मिनल में हैंडल हो गया, मेरे को किसी तरह के ब्राउजर को ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। तो सिंपल सा यार, अगर आपको नोड जे एस को, आपको नोड से अगर आप किसी भी जावास्क्रिप्ट फाइल को रन करना चाहते हो, ठीक है, तो हम कैसे करते हैं, नोड लिखते हैं और नोड के बाद उस फाइल का नाम लिख देते हैं, ठीक है, जिसको अपने का एग्जीक्यूट करना है, और ये जो हम फाइल के नाम लिखेंगे ये हमारी जावास्क्रिप्ट फाइल होगी, ठीक है, इतनी चीज क्लियर है। तो ठीक है यार, इस वीडियो के अंदर हमने क्या क्या जान लिया, इस वीडियो के अंदर हमने जाना कि यार नोड जेएस क्या है, ठीक है, हमने ये भी जाना कि यार सर्वर साइड क्या है, ठीक, और जो हमारा फ्रंट एंड है, फ्रंट एंड बैक एंड में किस तरीके से अंतर होता है, जो क्लाइंट साइड है और जो सर्वर साइड है, अगर दोनों जगह मैं सेम जावास्क्रिप्ट लिख रहा हूँ तो उसका क्या मतलब होता है, ठीक है, सर्वर साइड में हमारा कोड सेफ क्यों होता है, ये सारी चीज़ें हमने इस वीडियो में जान ली, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक सर्वर क्रिएट करेंगे, हम लोग नोड की मदद से क्या करने वाले हैं, हम लोग नोड की मदद से सर्वर क्रिएट करने वाले हैं, और एट द सेम टाइम हम उस सर्वर पे कुछ ना कुछ डिस्प्ले कराएंगे, ठीक है, और हम उसको ब्राउज़र में हैंडल करने की कोशिश करेंगे कि ठीक है अगर मैं एक सर्वर क्रिएट कर रहा हूँ, मतलब मैं किसी तरीके का लोकल होस्ट, मान लो मैं यहाँ लोकल होस्ट 3000 क्रिएट कर रहा हूँ, तो क्या ये लोकल होस्ट 3000 मैं अपने खुद से, खुद के कोड से क्रिएट कर सकता हूँ, हाँ भाई कर सकता हूँ, क्या इस पर जो रिक्वेस्ट आएगी मैं उसको हैंडल कर सकता हूँ, हाँ मैं कर सकता हूँ, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें हम अपनी नेक्स्ट आने वाली वीडियो में देखेंगे, ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही, ठीक है, मिलते हैं यार अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय एंड डू व्हाटएवर यू वांट यार, ठीक है।